जब वी मेट और बॉबी देओल के करियर का कब आढ़ा। धर्मेंद्र और सनी देओल की दमदार लेगेसी के बावजूद बॉबी देओल का फिल्मी करियर परवान नहीं चढ़ पाया। इसकी वजह ये हो सकती है कि बॉबी ने अपने पिता और भाई की तरह अपने करियर को सीरियसली लिया ही नहीं। लोगों का मानना है कि धर्मेंद्र और सनी के मुकाबले बॉबी में ज्यादा संभावनाएं थी, लेकिन इसके बावजूद बॉबी लंबी रेस के घोड़े साबित नहीं हो पाए। वजह जो भी हो, लेकिन खुद बॉबी का मानना है कि निर्देशक इम्तियाज अली की धोखेबाजी ने उनके करियर को काफी नुकसान पहुंचाया। साल 2007 में जब इम्तियाज अली ने जब ई मेट की प्लानिंग की तो बॉबी देओल उनकी पहली पसंद थे। बॉबी के कजिन अभय देओल ने उनकी मुलाकात इम्तियाज से करवाई थी। पहले इस फिल्म का टाइटल गीत रखा गया था। बॉबी से मुलाकात के दौरान जब हीरोइन की बात चली तो बॉबी ने इसके लिए करीना कपूर का नाम सुझाया और श्री अष्टविनायक को इसके निर्माण के लिए तैयार करने का वादा किया। अष्टविनायक पहले इम्तियाज के साथ फिल्म बनाने को तैयार नहीं थे, लेकिन बॉबी और अष्टविनायक प्रोडक्शंस के अच्छे संबंध थे, इसलिए बॉबी के कहने पर वो मान गए। बॉबी के साथ करीना कपूर को भी इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। लेकिन जब इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ तो कास्टिंग में अपना नाम ना देखकर बॉबी शॉक्ड रह गए। इम्तियाज ने करीना के साथ शाहिद कपूर को इस फिल्म में कास्ट कर लिया, जो करीना के साथ अफेयर के कारण उन दिनों सुर्खियों में थे। बॉबी के मुताबिक इस फिल्म से उन्हें बाहर करने में इम्तियाज या करीना में से जिसका भी हाथ हो, लेकिन इम्तियाज अली की इस चीटिंग से उन्हें काफी चोट पहुंची। अफेयर के दौरान करीना शाहिद के मुकाबले बड़ी स्टार थी। जाहिर है करीना ने शाहिद को प्रमोट करने के लिए इम्तियाज से उनकी सिफारिश की होगी। बॉबी का कहना है कि इस फिल्म के बाद इम्तियाज ने उन्हें फिल्म हाईवे ऑफर किया था। इससे साफ है कि करीना के दबाव के कारण ही इम्तियाज ने शाहिद कपूर को इस फिल्म का हीरो बनाया था। करीना और बॉबी के बीच फिल्म अजनबी से ही अनबन चल रही थी, शायद इसलिए उन्होंने बॉबी का फिल्म से पत्ता साफ करवा दिया। ये तो तय है कि अगर बॉबी ने जब भी मेट की होती तो उनके करियर का ग्राफ आज कुछ और ही होता। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि जब भी मेट की कामयाबी के बाद शाहिद और करीना भी अलग हो गए। करीना ने बॉबी की दोस्ती और शाहिद का प्यार दोनों खो दिया, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें बड़ा स्टार तो बना ही दिया।